तो भाई जब इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि भैया कैसे कराओ ये क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कैसे हो पाएंगे। तो यार देखो, सारे क्वेश्चंस तो एग्जांपल्स तो आप लोगों के लिए वीडियो में बता ही रखे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम देखते हैं, जितने मैं करा पाऊँगा उतने में करा देता हूँ, ठीक है। और ऐसे देखो हमारे चैप्टर में 141 हो रहे हैं रात के, खैर कोई बात नहीं, बस तुम लोग कर लो ढंग से, तो इस वजह से मैं आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है 2.3। क्वेश्चन बोल रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर दूसरा वाला देखेंगे। पहला 30 ग्राम, गिवन मास है डब्ल्यू बी, ऑफ सी ओ एन एच टू होल 6 है, होल ट्वाइस है, सर होल ट्वाइस, ये गलत तौर से लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे 2 जो है वो नीचे है, होल ट्वाइस डॉट 6H2 इन 4 लीटर, मतलब वॉल्यूम दे दो बेटा सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मैं जरा इस मैंने आंसर्स क्यों निकाले, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं कराता हूँ, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना बेटा 30 ग्राम है ना, ये रहा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट CONO3 होल टू आइस डॉट 6H2O। CO का बेटा 59 होता है, NO3 होल टू आइस है तो 2 लगा दिया, N का होता है 14 होता है, O का होता है 16, बट कितने का है 3 × 6। तो ये आ गया एक का, ये आ गया CO का, ये आ गया N का, N2 का 2N है, और वो कितने हैं 3 × 6 6 ऑक्सीजन का प्लस 6 वाटर, बेटा वाटर का होता है 18। सबको मल्टीप्लाई करोगे गुणा भाग करोगे 290 का, गिवन मास वाज 30 ग्राम, मोलर मास इज 291 ग्राम, विच यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ, यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि भाई कोई बताएगा आपको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी थी 4.3 लीटर, फॉर्मूला देता भाई मास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर ये ML में होती बेटा तो आप इसे ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई करते, वॉल्यूम को अगर ML में होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, बट क्योंकि वॉल्यूम ML में नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई मारो, आंसर आ गया आपका 0.024 मोलर। याद रखना मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा मोलर में होता है, मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इसका, 30 ml वॉल्यूम यदि ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी यदि बेटा मोलैरिटी यदि वॉल्यूम इज डायलेटेड टू 500 ml, वॉल्यूम दोबारा दे दी। अच्छा पहली वाली वॉल्यूम जो है वो है वॉल्यूम 1, टिंग 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 टिंग, ये है वॉल्यूम 1, मतलब पहली वॉल्यूम बेटा, क्या सोच रहे हो क्या, मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, ओके। दिस वन इज वॉल्यूम 1, दिस इज वॉल्यूम 2, देन दो वॉल्यूम्स है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2, और मोलैरिटी जो मोलैरिटी पहली वाली दे रखी है 0.5 मोलर वो है M1। दूसरी वाली मोलैरिटी निकालनी है बेटा M2 निकालना है सेकंड पार्ट में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये आ गया सीधा सीधा रख देना, NCERT में कोई एग्जांपल नहीं था इसका, NCERT में कोई इसका फॉर्मूला नहीं था, बट ये बहुत सिंपल बात है, याद रखना M1V1 बराबर होता है M2V2 के, क्या बोला M1V1 बराबर होता है M2V2 के, M2 हमें नहीं पता तो M2 किसके बराबर होगा, M1V1/V2, M1 कितना है 0.5, यहाँ लिख रहा हूँ, V1 कितना है 30, V2 कितना है 500, 1060 काट दिया, 0.0 आ गया, वैसे 100 आ गया, 0.03। बहुत ही बेसिक सी मल्टीप्लीकेशन है, M1V1 M2V2 बराबर रखोगे सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल सी क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाना है, तुम लोग करने वाले बनो बस, है ना, तुम अगर नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.4। तो 2.4 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो भाई यार, सो मत यार, देख लो प्लीज यार देख लो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, जल्दी देखो।
कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया देता है NH2CO2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल। पिछला वाला क्वेश्चन था मोलैरिटी पे, रिटी र यह मोलैरिटी पे मोलल दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मोलल दे दिया, मोलैरिटी निकल गई। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, सॉरी मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना दे दिया 0.25। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना देता है, कितना होता है इसका मोल मास NH2CO2 का, एन का होता है बेटा 14, एच का होता है 2, मतलब 2 एच है तो 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, एन का होता है फिर से 14 और हाइड्रोजन का होता है 2, सबको ऐड करोगे आंसर आएगा 60। कितना आएगा 60, लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। एक मोल का मास 60 ग्राम है, एक मोल का मास कितना है 60 ग्राम, तो हमारे पास कितने मोल है 0.25, 1 मोल 60 ग्राम, 0.25 मोल 60 × 0.25 मतलब 15 ग्राम, ये तो आपका गिवन मास है। क्या आगे बेटा गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने बात करी 2.5 किलो पानी में डाल रहे हैं, 2.5 kg पानी तो बात की बात है। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा हमेशा जब कुछ भी नहीं पता होगा तो वाटर का मास ले लेना 1 kg, वाटर का मास लेना 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारा क्या है 15 ग्राम, 1000 + 15 = 1015 kg में करा 1.015, 1000 से डिवाइड करोगे नहीं करोगे kg को, तो इसका मतलब है सिंपल सी बात 2.5 kg 1.015 kg बनाने के लिए आपको कितने ग्राम चाहिए थे 15 ग्राम, 1 kg बनाने के लिए कितने चाहिए होगी बेटा 15 ग्राम अपॉन 1.015, हमारे पास कितने केजी बनाने बेटा 2.5 kg, कितना होगा 15 × 1.015 × 2.5, पूरा डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 37 ग्राम्स। ये है आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 4, समझ लो बहुत जरूरी है। क्या बोला कि मास ऑफ यूरिया निकालना है, 2.5 किलो का 0.25 मोल का सॉल्यूशन बनाना है, सबसे पहले आपने निकाला गिवन मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के आपने निकाला टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को में से ये कितना यूरिया कितना है 15 ग्राम, 1 किलो में से यूरिया कितना होगा 15 × 1.015, तो 2.5 किलो में यूरिया कितना होगा मल्टीप्लाई करके 37 ग्राम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक बार देख लो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ही मैंने टिक कर रखा है, इस वजह से मैंने अलग से इसको निकाल रखा है क्वेश्चन को, ज़्यादातर क्वेश्चन को मैंने ऐसे नहीं निकाला, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को निकाला जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत लोग पूछ रहे थे आज भी, आज सुबह भी बहुत लोगों ने पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इज, अब ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आगे बताया था, हेनरीज लॉ P = kS5, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट दे रखा है मतलब केएस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा, 500 ml सोडा मतलब वॉल्यूम दे दी, व्हेन प्लेस्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर दे दिया एट 298 केल्विन, क्या निकालना है कैलकुलेट द क्वांटिटी, कैलकुलेट द क्वांटिटी मतलब गिवन मास निकालना है, क्या निकालना है गिवन मास। आपके पास पता है, आपको पता है कि KH दे रखा है, क्या दे रखा है KH क्या होता है आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट, प्रेशर दे रखा है 2.5, क्या लिखा है ये लिखा एटीएम को कर लो पास्कल में, एटीएम को कर लो पास्कल में, तो 2.5 × 10 की पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई 1.013 × 10 की पावर 5 होता है वैसे कैच हो गई है। तो आपके पास फॉर्मूला जो है हेनरीज लॉ का वो है P = kH, तो काय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/kH, ये सुनो तो Ka = P/kH होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 500 ml सोडा वाटर में सारा का सारा जो है पानी ही है, तो 500 ml पानी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर के, नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास 500 × 18 = 27.78, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ गए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Ka(b) = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
अगर नीचे पानी है और जिसके 27.78 मोल्स है जो कि काफी ज्यादा होते हैं, तो हम इसमें एन बी हटा देते हैं, काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के पता है, काई बी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सीओ टू के। जो भी नंबर ऑफ मोल्स सीओ टू के आ जाए, सीओ टू का मास होता है 44 ग्राम, एक मोल का होता है बेटा, एक मोल का होता है, तो उसको आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा 1.854 ग्राम, जो कि CO2 का अब जो कि मास हमें चाहिए वो है गिवन मास। तो पहले आपने निकाले मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लगाए, दोनों को मल्टीप्लाई मारा और नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO2 के। जो भी नंबर ऑफ मोल्स CO2 के आए उसे 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 10। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाई, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 750 mm में दियो, मतलब प्रेशर दे दिया इज 99.6, ये टीबी है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, ये गिवन मास ऑफ वाटर है, वाटर का मास मतलब एम डब्ल्यू ए, सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टीबी। इनिशियल जो प्रेशर, इनिशियल जो वो था बॉइलिंग पॉइंट, वो टीबी नॉट था 99.63, अब बढ़ के टीबी हो गया। कह रहा है कि 99.63 है उसका मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट, 100 करने के लिए कितना सुक्रोज डालोगे, कितना सुक्रोज डालोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पहली बात तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट के, टीबी इज 100, टीबी नॉट इज 99.63, वैल्यू आ जाएगी 3.3 से, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू। और डेल्टा टीबी की वैल्यू एक और वैल्यू थी बेटा, ध्यान रखना, डेल्टा टीबी वाज इक्वल टू केबी इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 अपॉन एमबी इनटू डब्ल्यूए। याद रखेंगे मास डब्ल्यूए, हाँ डब्ल्यू दे दिया 500 ग्राम, डब्ल्यू कितना दे दिया 500 ग्राम डब्ल्यूए, हाँ ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको गिवन मास है वाटर का 500 ग्राम, मोलर मास भी वाटर का पता है बेटा 18 ग्राम, मोलर मास सुक्रोज का अगर आप निकाल लेंगे तो उसका हो जाता है 342 ग्राम। आपको डब्ल्यू भी निकालना है, क्या निकालना है डब्ल्यू भी। याद रखेंगे कि के की वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ पे के की वैल्यू है 0.52, डेल्टा टी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, KB की वैल्यू गिवन है, MB की वैल्यू ये रही, WA की वैल्यू 500 ग्राम, WB निकालने, WB निकालने का फॉर्मूला जरा मैं बता दूं, डेल्टा TB ये रहा, WB ये रहा, इसके सामने इधर फेंकोगे MB को, WA को भी तो इधर फेंकोगे WA, नीचे आ जाएगा KB इनटू 1000, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे पूरा आंसर निकालोगे और आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी का मतलब है गिवन मास ऑफ सुक्रोज, कितना मास सुक्रोज का चाहिए एलिवेट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को, किसको, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन का क्वेश्चन था। दोबारा सुन लो भाई बहुत ध्यान से, क्या बोला, पहले इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट था 99.63, अगर उसे 100 बनाने मतलब फाइनल आ गए 100, चेंज निकाल सकते हो टी बी माइनस टी बी नॉट से, तो कितना सुक्रोज चलेगा, सुक्रोज का जो मोलर मास होता है वो 342 होता है, गिवन मास निकालना है इसका, 500 ग्राम वाटर है मतलब वाटर का मोलर गिवन मास सबको पता है, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे सॉल्व कर दोगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये करा दिया मैंने साथ साथ। अगला जो एग्जाम्पल है वो भी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आई होप के समझ में आए, ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो इस पे ही है, आपके इस बार फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब डब्ल्यू बी निकालना है, एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला दे दिया C6H8O6 का मतलब 72, H8 का मतलब 8 और O6 का मतलब है 96, 1 60 80 और 96 176, ये आपका दे दिया डब्ल्यू सॉरी एम बी। जब मास दे देते हैं आप सीधा निकाल सकते हो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16 पता है ना, ठीक है। एच टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब ये निकल गया आपका डब्ल्यू, क्या निकल गया डब्ल्यू।
इसके अलावा केएफ की वैल्यू गिवन है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5, मतलब डेल्टा टी एफ, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक साथ ही आता है 1.5, डेल्टा टी एफ कितना हो गया 1.5, केएफ की वैल्यू है 3.8। डब्ल्यू बी का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, जो फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इक्वल टू जो भी फॉर्मूला था केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन केएफ इंटू 1000 क्यों करा बच्चा, क्योंकि उसे ग्राम में करना है, इसमें करना है ग्राम के जी में, यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, के जी में करना है। एम बी कितना है 176, डेल्टा टी एफ कितना है 1.5, डब्ल्यू ए कितना है 75 अपॉन के एफ कितना है 3.9 और 1000, 3.9 39, इसको काटो 5 से काटो और इसको काटो 13 से, 13 डेल में ये काटो 130, जो भी कटेगा 176 आंसर आएगा 5.08 ग्राम। तो सिंपल फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है भाई, आप लोगों को बस ये देखना है कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, अगर आपको ये निकालने आते हैं तो फिर काम आधा आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस पे ध्यान रखें, डब्ल्यू बी एम बी वाले क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन करके देखें, डाउट आते हैं तो पूछ लें, आपके पास टाइम है अभी, एक भाई वाला क्वेश्चन देख लेंगे जैसे, ये आपका ये भी इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और कैलकुलेटर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है, एग्जैक्टली बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मास, इतना 1 ग्राम मतलब डब्ल्यू बी 1 ग्राम है, एम बी ए इतना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 450 एम एल वॉल्यूम मिली एट 37 डिग्री सेल्सियस, इसको टेम्परेचर में करो 37 को टेम्परेचर में 273 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 310 केल्विन, ये आपका टेम्परेचर आ गया। अगर आपको पाई का फॉर्मूला होता तो पाई इज इक्वल टू एन बी बाई वी आर टी, एन है गिवन मास जो कि 1 है और मोलर मास 185, गिवन मास और मोलर मास एन बी बाई वी एन 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 बी बाई वी, वी कहता है 450 एम एल, एम एल को 0.45 लीटर ले लो चाहे 450 अपॉन 1000 कर लो आपकी मर्जी, इंटू आर जो कि 8.314 है और टी जो कि 310 है, सबको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पाई वाला फॉर्मूला आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, सीधा लगाओ सीधे सॉल्व करो, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी मिलते हैं एंटी फ्रीज वाला क्वेश्चन, ये यार मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार ये देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन, तो देखो सारे ही पर जो मेन मेन जो मेरे को लग रहे हैं वो मैं करा ही रहा हूँ, अच्छा ठीक है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एंटी फ्रीज से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन भाई पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ये पेपर में आ रहा है शायद, देखो एक बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मतलब जो फ्रीजिंग ना होने थे वो वाला सॉल्यूशन ऑफ फ्रॉम 226.226 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2 दे दिया इसका मास निकल जाएगा, ठीक है मोलर मास इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12 इंटू, तो कार्बन का 12 होता है 6 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 62 ग्राम, 200 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब इसका जो डब्ल्यू ए है वो 200 है, डब्ल्यू बी जो है वो 222 है, ये क्या है एम बी, क्या है एम बी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी इज डेंसिटी बड़ी डेंसिटी बड़ी, व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों निकालना बेटा, देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट है 200 ग्राम, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला दोबारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 5 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया, कितना आंसर आया 17.95 मोलल, ये तो मोलैलिटी का, क्या आ गया बेटा मोलैलिटी, अच्छा लिटी आ गया, रिटी कैसे आएगा,
मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है 3.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी देखा आपको, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ है ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 226 इसका मास है, 200 इसका मास है, ऐड करें कितना हो गया 422.6। डेंसिटी कितनी है 1.07। सॉल्व करेंगे 394.2, ये आ गया वॉल्यूम। फॉर्मूले में पुट करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इनसे मल्टीप्लाई करो जो भी आंसर आता है 9.1 मोल पर लीटर। मोलैरिटी, ये आपका अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.8। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा बैक क्वेश्चन नंबर 13, बैक क्वेश्चन नंबर 13 2.13 आपका एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। और ये फॉर्मूला जो है फिर से एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जैसे एम1 वी1 वाला थोड़ी देर पहले करता था, अब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन इज 6.56 × 10⁻³। सॉरी ये इसका ग्राम है, इसका मतलब इस मास पे जो है, मास दे दिया, इस पे जो पार्शियल प्रेशर है वो है 1 bar। इफ मास जो है वो चेंज हो जाएगा तो पहला वाला मास का क्या बोलूं, दूसरे वाले मास को बोल दिया m2, पूछा है पार्शियल प्रेशर p2 क्या है, p1 दे दिया। फॉर्मूला याद रखना है, एक चीज है, एक तो आपका फॉर्मूला होता है p = kh का है, ये आपका हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है वो होता है m = kh × p, m = kh × p आपका नया फॉर्मूला है, आपका हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों का kh अगर निकालो, दोनों का kh एक ही, इस फॉर्मूले से kh की वैल्यू क्या आ जाएगी, kh = m/p। m पहला वाला कितना दे रखा है 6.56 10⁻³ अपॉन p कितना होगा 1, है ना। और वही p को बराबर ये m1 p1 बराबर किसके कर रहा हूँ, kh = m2 p2। m2 कितना है 5 × 10⁻², p2 क्या है, p ले लूँ, p2 को p ले लूँ, बता दूँ दोनों kh की वैल्यू से इक्वेट करूंगा। ये फॉर्मूला याद रखो, दोबारा सुन लो, ये फॉर्मूला याद रखो, जिसको नहीं सुनाया एक बार दोबारा रिवर्स जाके फिर देख लिया करो, वीडियो तो ये दोबारा देख सकते हो। m = kh × p, kh की वैल्यू m/p हो गई, ये m1/p1 के बराबर भी है, m2/p2 के बराबर भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि kh जो है हेनरीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सेम ही होता है, हम लोगों 6.56 × 10⁻³ अपॉन 1 तो छोड़ दूँ, = 5 × 10⁻²। पी को उधर ले जाते हैं, 6.56 को नीचे जाते हैं, पी की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻², अपॉन 6.56 × 10⁻³। काटेंगे ये वैल्यू हो जाएगी -1 × 10⁻³, ऊपर चल जाएगी 50/6.56। सॉल्व करके आ जाए 0.10⁻³ ना, तो हम देखेंगे -2 ये क्या -3 ऐसे क्वेश्चन में, इसके हिसाब से 7 कुछ आएगी, बट जैसे आंसर वहाँ पे देखा था उसमें -2 देता है, 7.62 आएगी बार, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन में -3 है तो 7.62 और अगर -2 है तो 0.762, जैसा कि वहाँ पे देखा है। हम लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.13, इसको पक्का पक्का देख लो। फिर आ जाते हैं 2.17, तो नहीं कुछ मैं चीज़ें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेन मेन क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन बैकअप, जल्दी देखो। हाँ क्या बोल रहे हैं, एट 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज m1 दे दिया, प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दे दिया। If the osmotic pressure of the solution is ये, मतलब ये बना दिया 5-1, ये बना दिया 5-2, चेंज हो रही ना वैल्यू, टेम्परेचर सेम, देन व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन, क्या निकालना है, मोलैरिटी m2। पहले निकाल लो, आपके पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है pi = CRT, सी को अगर मैं बोलूँ तो ये बन जाता है WP / MV × VRT, पक्का
सी क्या होता है मतलब एफ डी मतलब कहते हैं अपन मोल मास और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टी। पाई पहले वाला रहता 4.98 36 ग्राम में ये गिवन था। एम वी था ग्लूकोज है ग्लूकोज का 180 ही होता है आर टी बाई वी डन। ऐसे ही दूसरा रहता 1.52 डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी बाई वी दोनों को हमारा डिवाइड तो 4.1.52 को पर रखा अपन 4.98 आर टी वी बाई वी आर टी बाई वी कैंसिल हो जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा ध्यान से। 1.52 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी बाई वी अपॉन 4.98 इंटू 36 अपॉन 180 आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल 36 से 5 पे कैंसिल ये ऊपर चल जाएगा 152 अपॉन 498 बराबर होते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी ये हो गया क्योंकि ये अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चल जाएगा 5 माइनस 3 पे आएगा। डब्ल्यू बी बाई एम बी की वैल्यू निकालेंगे और डब्ल्यू बी बाई एम बी की वैल्यू निकलेगी 0.061। ये है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक लीटर पे कितना होगा। अगर इस पे 1 लीटर रखूँ तो जो मोलैरिटी होती है वही उसका नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले वही मोलैरिटी के बराबर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन भी हो और अच्छा भी हो। और ये आ गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे और ये लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। पहले ये वाला देखते हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर यूज कर पेंटो फैक्टर का क्वेश्चन। सब लोग भाई कह रहे हैं पेंटो फैक्टर बार बार यही बातें कर रहे हो आप लोग। इतना मुश्किल है नहीं समझो क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है सीएसईआरटी वाला। ये बहुत सारा चांसेस इस साल में आने के बहुत सारा चांसेस। देखो भाई फॉर्मूला क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सीएसईएमटी आई की वैल्यू पहले दी थी 2.47 डिसॉल्व इन 2.5 लीटर वॉल्यूम दे दिया ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 आई की वैल्यू दे दी टेम्परेचर दे दिया 227 को 300 केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे को पता है पाई इक्वल टू सी आर टी है ना और पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग आई के रखेंगे हाँ अमाउंट ऑफ सी वाला है आई के रखेंगे क्योंकि जब भी चेंज जाएगी वैल्यू पाई इज टू आई सी आर टी वेंटो फैक्टर क्या आते ही पाई सी आर टी जगह पाई आई सी आर टी आ जाता है। वेंटो फैक्टर की उन्होंने पहले से वैल्यू दे रखी अगर नहीं भी दे रखी तो ध्यान रखना कैसे निकालनी है। वेंटो फैक्टर हमें कैसे पता कैसे यूज करना है सी ए सी एल टू आ गया कोई भी जो सॉल्ट है वो जब ब्रेक करता है तो वो सी ए टू पॉजिटिव और टू सी एल नेगेटिव में ब्रेक करता है सी ए टू पॉजिटिव और टू सी एल नेगेटिव या कोई भी सॉल्ट है वो किस तरह से ब्रेक करता है। जब भी कोई सॉल्ट की बात आ गई जब भी वो ब्रेक करेगा तो डिसोसिएशन होगी और जब भी डिसोसिएशन वर्ड आ गया मेरे दोस्तों इसका मतलब है वेंटो फैक्टर तो यूज करना ही करना है। चैप्टर नंबर 2 के किसी क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत कम है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है 70 में से बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा पाई इज टू आई डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इंटू आर यहाँ पे किस किस चीज़ की वैल्यू पता है हमें पता है पाई की वैल्यू जो कि 0.75 है आई की वैल्यू जो कि 2.47 है डब्ल्यू बी तो नहीं पता और रिजल्ट सी ए सी एल टू की वॉल्यूम निकाल आप मास निकाल सकते हो सी ए का मास होता है 40 और सी एल टू का मास होता है 2 × 35.5 बेटा सॉल्व करोगे 40 + 71 = 111 ठीक है। डब्ल्यू बी ये देखो आई कर दिया फिर डब्ल्यू बी ये रहा एम कितना एम बी कितना 111 और वॉल्यूम कितने 2.5 लीटर आर की वैल्यू यहाँ पे हमेशा लेनी है आपको कुछ मैंने बताया कुछ भी लेते रखिए तो 0.083 क्या लेंगे 0.083 और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। सारी वैल्यूज पता है डब्ल्यू बी की वैल्यू निकाल दिया उधर देखो आंसर करो सॉल्व हो जाने बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ रही तो याद रख लो क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3.42 क्या है क्वेश्चन 3.42 इसका आंसर है। क्या अगर आपने तो आई इज इक्वल टू आई सी आर टी
आई निकालना कैसे पता चला? इस क्वेश्चन में तो भाई आई दे ही रखा है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली अटक गया आपके एनसीईआरटी बोर्ड पेपर में तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल देना। दिक्कत की बात माना, सबको उधर फेंकना और सीधा आंसर क्या है 3.42 ग्राम। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब कर रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। 2013 पेपर में आ चुका है पहले से। देखो भाई कैसे पता चलेगा कि हमें रेंट ऑफ फैक्टर नहीं करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल अलाइव हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 25 mg गिवन मास WB K2SO4 इन 2 लीटर वॉल्यूम दे दिया और वाटर 295 डिग्री सेल्सियस 298 डिग्री कंप्लीटली सैचुरेटेड पूरा पूरा टूट गया तो क्या होगा? सबसे पहले निकालेंगे इसमें आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। ध्यान से देखो, अब आपके पास है K2SO4। K2SO4 ब्रेक करता है, अब क्यों डिसोसिएट हो गया? मैंने बताया था एसोसिएट या डिसोसिएट आएगा क्या लगाओगे? वेंट ऑफ फैक्टर। अब आई निकाल दो, जब ये ब्रेक करेगा K2SO4 आपको पता है K जो है, अब देखो ये कुछ चीज़ें बता दीजिए। K जो है पोटेशियम है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, +1 देता है और SO4 -2, तो दो तो K पॉजिटिव बनेंगे, एक SO4 बनेगा, 2 नहीं। इनिशियल कितने मोल थे? 1। बाद में कितने मोल है? 3। तो N की वैल्यू है 3। N की वैल्यू है 3। पक्की बात याद रखना, कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ है, पूरा का पूरा टूट गया है। अल्फा हमेशा 1 के बराबर, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो अल्फा हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। और डिसोसिएशन में फॉर्मूला कहता है अल्फा का I-1/N-1 1 = I-1/3-1 2i ये बन जाएगा 1 × 2 ये 3-1 2 2 दे जाएगा 20 = I-1 I = 2+1 I = 3 वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 3। आई आ गया 3। पाई निकाल, पाई I C R T आई है 3, सी है WB/MV × वॉल्यूम। बहुत तेज से कर रहे हैं भाई ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। आर है 0.0821 और टी क्या है? टी है टेम्परेचर जो कि 2298 कह गया है। आई की जगह पे रखा 3, WB की जगह पे रखा 25 mg, mg की जगह पे मतलब मिलीग्राम है, 10^-3 ग्राम होता है। आर की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू रखी अपॉन MV की वैल्यू है 174। यहाँ क्या है, K2SO4 का वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, K की वैल्यू ऐसे निकालो, K होता है 39, 239 K2SO4 K2SO4 सब कुछ सॉल्व करा, MV की वैल्यू हो गई और वॉल्यूम दे रखी है आपको पहले से 2 लीटर। सब वैल्यू पुट करी, यहाँ पे आ गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ज़्यादातर चांस है कि वो आपका वेंट ऑफ फैक्टर का भी क्वेश्चन है। और वेंट ऑफ फैक्टर का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब भाई 40 और 41 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 ये भी मैंने आपको दूसरी वाली वीडियो में, जो कि मेन वीडियो है चैप्टर की, वहाँ पे करा रखे हैं। 4 क्वेश्चन वेंट ऑफ फैक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन भी वेंट ऑफ फैक्टर के आते हैं। PYQ उसको बहुत ध्यान से कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू गाइस।